वहां पर दी जाती है चंद्रकांत बी मोदी जी के द्वारा। ये ऐसा एक नाम है जिस नाम का उच्चारण करने से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सबके कर्ण बिंदु जो है वो एकदम चकित रह जाते हैं, सुनने को लालायित रहते हैं कि अब क्या वहां पर घोषणा होने वाली है। और ये सरनेम ऐसा है जिसने हमारे हिंदुस्तान के, हमारे भारत वर्ष के मस्तक को और ऊंचा कर दिया और गौरवान्वित कर दिया। और विश्व विजेता, जो विश्व गुरु की सीढ़ी है, उस पायदान पे, उस सीढ़ी पर हम चढ़ना शुरू कर दिए हैं। बस 2024, उसके बाद देखिए विश्व गुरु हम कैसे बनते हैं। जिस प्रकार से यहां पर कैच लिया गया है, मिड विकेट के फील्डर बिल्कुल खुश नजर आ रहे हैं। रेनी इंपेक्स और यहां पर बैट्समैन आउट होकर के वापस जाते हुए लालू गौरांग, बहुत जबरदस्त ये बल्लेबाज, आइकन प्लेयर, लेकिन आज यहां पर हवा में खेल बैठे और कैच लिया था वहां पर फील्डर। जी सर, फील्डर ने कैच लिया, उनका नाम उमंग। एक एक प्लेयर आप भेज दे सर सबके, जिस टीम के मैं देख रहा हूं कि एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे कमेंट्री बॉक्स में रहे हैं वही टीम जीत रही है। और अभी तक मैंने देखा है जिस टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में बैठे हैं वही टीम जीत रही है। तो रेनी इंपेक्स, मारुति डीएम, दोनों टीम तो जीतना चाहती है, आप भेज दीजिए अपने एक्स्ट्रा प्लेयर को हमारे कमेंट्री बॉक्स में। मुकाबला शुरू हो चुका है। चंद्रकांत बी मोदी जी हमारे साथ यहां पे उपस्थित हैं, अश्विन जी उनके बगल में बैठे हुए हैं, कुछ विचार विमर्श चल रहा है। और जब ये विजिटिंग कार्ड हमारे हाथ में है तो वो विश्व का सबसे खूबसूरत अगर कोई पुष्प है, कोई सुमन है, कोई कुसुम है, तो वो केवल और केवल कमल है। माता सरस्वती को भी यही है भाता, ये कमल है कहलाता, जितना कीचड़ इकट्ठा होता है कमल उतना ही अच्छा खिल जाता। यही हमारे कमल का हमारे मोदी जी के साथ है नाता। जबरदस्त ये मुकाबला, यहां पे एक बार संघर्ष जारी है, अगर गेंदबाज कुछ कर रहा है तो दूसरी बार प्रतिकार हो रहा है बल्लेबाज भी वहां पे कुछ करते हुए। टॉस जीत करके बल्लेबाजी करने का फैसला रेनी इंपेक्स का सही साबित नहीं हुआ था पहली गेंद पे, वहां पर कैच मिला था, लेकिन दूसरी गेंद पे यहां पर एक बार अच्छी वापसी हुई हमारे स्कोरर ध्रुव, लगातार प्रयास करते हुए। यहां पर कुछ तकनीकी थोड़ी सी दिक्कत थी, नेट का इशू थोड़ा सा, जिससे अपडेट अभी नहीं हो पाया है, लेकिन इस बार देखिए ओवर कवर खेलने की कोशिश, पॉइंट के ऊपर से गेंद को खेला है और बहुत ही खूबसूरत क्लास देखने को मिला। चौका आता हुआ, एसबीपीएल चौका, चौके के साथ इस समय स्कोर जरूर हम बताएंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले एक्स्ट्रा प्लेयर आ जाए। और ये लॉस्ट कॉल है रेनी इंपेक्स और मारुति डीएम के लिए, आपके एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में होने ही चाहिए। देखिए हाँ लास्ट कॉल है भाई, और कहीं ना कहीं रेनी इंपेक्स और मारुति डीएम आ जाए दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर, क्योंकि आपके गेंदबाज और बैट्समैन जिस भी टीम के आप मेंबर है उनका ध्यान जरूर बट रहा है। थैंक यू। नौ रन बने हैं, पांच गेंदें डाली गई हैं और शुरुआत अब अच्छी हो चुकी है। ये पटकी भी गेंद और खेलना चाहते थे इसे, लेकिन सम के बाहर की गेंद थी, वाइड का इशारा था अंपायर का, दहाई के अंकों में स्कोर पहुंच चुका है। स्ट्राइकर एंड पे चिराग और नॉन स्ट्राइकर एंड पे अरुण, और चिराग में वासा रन आउट का यहां पे खतरा हो सकता था, लेकिन थ्रो अच्छा नहीं था। चिराग में वासा से बहुत सारी उम्मीद है, लेकिन एक ओवर की समाप्ति के बाद अब स्कोर यहां पे जो दिख रहा है वो 11 रन एक विकेट के नुकसान पे। रेनी इंपेक्स का टॉस जीत करके बल्लेबाजी करने का फैसला। चिराग मेवाशा
और अरुण की जोड़ी मैदान में, स्ट्राइक रन पे होंगे चिराग मेवाशा। दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए कौन आ रहा है? दीप पटेल, दीप पटेल आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। और दीप पटेल जैसे दीप है, यस राइट हैंड राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए बलदेव हैं। चलिए अब यहां पर चेंज होता हुआ ये नाम कि ये बलदेव हैं। तो दीप है नहीं बल्कि ये बलदेव हैं। 11 रन बन चुके हैं, 1.1 ओवर का खेल अभी तक हुआ है। इस बार शॉट अच्छा है, कनेक्शन अच्छा है, वाह क्या खूबसूरत लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला गया शॉट और 6 रन आता हुआ रेड इंपैक्ट्स के लिए। और बल्लेबाज है चिराग मेवासा, चिराग मेवासा गेंद चली गई नेवासा। बलदेव गोथी इस समय गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभा रहे। 17 बॉल दिया जा रहा है यहां पे क्योंकि गेंद खो गई है। गेंद वापस आ गई है, यस एक और शॉट, ये भी बढ़िया है मिड विकेट के ऊपर से है। अब 6 रन, 6 रन। कई दर्शक तो पूछ रहे हैं कि अगर हम लोग बाउंड्री के बाहर कैच लेते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है। हमने कहा कि आपको क्या मिलने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि किसी को मोदी जैकेट मिलने वाली है और कोई आके भूपेंद्र भाई से मिलने, वो भी बिल्कुल मोदी जी जैसे दिख रहे हैं, दाढ़ी भी वैसी है, चश्मा भी वैसा ही है, वो भी वैसे ही दिख रहे हैं। तो आप उनसे आकर के मिल सकते हैं अगर आप बाउंड्री के बाहर कैच पकड़ते हैं तो। 1.3 ओवर के बाद 23 रन इंपैक्ट्स, बलदेव नाम है गेंदबाज का, लेकिन चिराग के पास गजब की वो ताकत आ गई है, बल गजब का आ गया है और अपने पुरुषार्थ का बिल्कुल यहां पे परचम लहराते हुए डॉट गेंद होती हुई अच्छी वापसी करते हुए यहां पर बलदेव। 23 रन बन चुके हैं रन इंपैक्ट्स के, 1.4 ओवर का खेल हुआ है। चिराग और अरुण की जोड़ी अभी भी मैदान में है। इस बार बल्लेबाज कट करना चाहते थे गेंद को लेकिन गेंद की लाइन तक नहीं पहुंच पाए डॉट गेंद होती हुई। रेन इंपेक्स और मारुति डीएम के बीच का यह मुकाबला चलता हुआ अभी आप आंखों देखा सुन रहे थे आशीष पांडे जी के द्वारा। बड़ा ही जबरदस्त वो विश्लेषण कर रहे थे, कमेंट्री कर रहे थे, मजा आ रहा था। मैं भी कहीं से बैठ करके सुन रहा था क्योंकि हम हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने ग्राउंड के उस शोर पे देखें तो वहां पर वॉलीबॉल खेला जा रहा था। बहुत सारे साथी वहां पर बैठे हैं, कुछ चर्चा कर रहे थे। मैं भी उन्हीं के ठीक सामने एक बेंच पड़ी है वहां पर बैठ करके लुत्फ उठा रहा था आशीष पांडे जी की कमेंट्री का। और कुछ पीछे से जो आवाज आ रही थी वॉलीबॉल टीम की, यानी कि जो भोजपुरी वर्ड आ रहे थे कानों में, वो भी मैं सुन रहा था। दोनों तड़का मुझे मिल रहा था। 24-1, 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। अब तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए दीप पटेल आ रहे हैं और सामने उनके हैं चिराग। 7 गेंद पे 13 रन बनाकर के बल्लेबाजी कर रहे हैं चिराग। अब धूप तेज है लेकिन आशीष पांडे जी ने जैसा कहा कि टेम्परेचर यानी कि पारा अभी भी इतना ज्यादा नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा अभी भी महसूस नहीं हो रही है। इस बार देखिए वाइट का इशारा आता हुआ और गर्मी महसूस कैसे होगी यहाँ पे देखिए, बिल्कुल सौंप का एक शरबत है, उसका नाम क्या है उस शरबत का? वरियाली। और गजब का वो शरबत है, जो भी पी रहा है वो वरियाली उसके शरीर में आ जा रही है हरियाली। वरियाली जो भी पिया बिल्कुल हरियाली ताजगी आ रही है। लेकिन इस बार कैच यहां पे छोटा, लग रहा है ये शरबत ये नहीं पिए थे, अगर पीते तो इस कैच को भी जीते, लेकिन नहीं। दीप पटेल, मजा आया ये शरबत पी करके। और सच पूछिए तो इसकी जरूरत हमारे उत्तर प्रदेश में है जहां बहुत ज्यादा धूप होती है, चिलचिलाती धूप और गर्मी होती है। एमएचबी ग्रुप बोरीवली हमारे वरियाली शरबत के स्पॉन्सर, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हरीश भाई वहां पे है, शरबत बना रहे थे और हम तो पी करके आए।
मिड विकेट के क्षेत्र में खेला गया यह स्ट्रोक एक रन मिल जाएगा 28 पे 1.23 ओवर के बाद। चिराग और अरुण की जोड़ी अभी भी मैदान में है। दीप पटेल इस ओवर में 3 गेंद किए हैं, 4 रन खर्च कर चुके हैं। एक बार फिर से सामना करने के लिए अरुण इस बार दूर से खेल बैठे, गेंद की लेंथ तक पहुंच नहीं पाए, लंबाई को भाप नहीं पाए डॉट गेंद होती हुई। जो खिलाड़ी है इस समय धवल हमारे भी साथ बैठे हुए हैं, काफी मुस्कुरा रहे हैं। टेम्परेचर इस समय 31 डिग्री सेल्सियस है और 23 से 31 के बीच में टेम्परेचर पारा जो है आ रहा है जा रहा है और मौसम के मिजाज को बता रहा है। अश्विन जी भी कुछ इशारा कर रहे हैं, दिनकर जी भी किसी को बुला रहे हैं और संजय भाई को बुलाया जा रहा है। 28 पे 1.24 ओवर के बाद और इस बार गेंद को उठा करके खेला है फील्डर उस ओर भागते हुए, लेकिन कैच नहीं कर पाएंगे। इशारा अभी अंपायर का आना बाकी है, 6 रन का इशारा आता हुआ, SBPL सिक्सर आता हुआ, 6 रन लग चुके हैं, 6 रन लग चुके हैं। गेंद दी जाए, बहुत सारी गेंद आज खो जाने वाली है और गेंद मुझे लग रहा है दूर जाके खो जा रही है। वैसे आप भी मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीतिए और आप भी जाके गोवा में खो जाइए, 3 नाइट 4 डे कपल के लिए ये पूरा प्रोग्राम सेट करके रखा गया है अपूर्व पटेल के द्वारा। क्रिश हॉलिडे प्लानर है, इनके द्वारा ये प्लान किया गया है कि आप गोवा में जाए, रहने खाने की व्यवस्था, घूमने की व्यवस्था, आराम से टहलिए, मौज करिए, मस्ती करिए। भाई अगर आप मैन ऑफ द सीरीज होते हैं तो आपके लिए 3 नाइट 4 डे गोवा में आप एंजॉय करिए। अब देखने वाली बात है कि कौन जाता है, ऐसा नहीं है। क्रिस हॉलिडे प्लानर से आप वैसे भी मिलिए, उनसे बात करिए, अगर आपको जाना है गोवा में अपूर्व पटेल जी आपका साथ निभाते रहेंगे। किसी को अगर जाना है, और ऐसा नहीं है किसी के माध्यम से, अपने माध्यम से जाएंगे पटेल समाज के, तो आपको बहुत किफायती रेट में भी जाना पड़ेगा। यहां तो मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज तो वहां पे फ्री है, लेकिन इस समय 34 पे 1, 3 ओवर की समाप्ति, आफ्टर 3 ओवर स्कोर इज 34, लॉस ऑफ 1 विकेट। रेनी इंपेक्स वर्सेस मारुति डीएम के बीच का ये मुकाबला, कई महानुभाव यहां पर मंच पे बैठे हैं, मैच का लुत्फ उठा रहे हैं और क्यों ना उठाएं, उन्हें भी मजा आ रहा है। और डे टू है आज, आज ही सेमीफाइनल और फाइनल का मुकाबला होगा। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जब आ रहे हैं, आशीष जी बहुत अच्छा लग रहा है, और आज अपने परिवार के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ ये प्यारे प्यारे बच्चे आते हुए, और बच्चे जब आते हैं ना, बच्चे ही मन के सच्चे, थोड़े अकल के कच्चे, लेकिन सबसे अच्छे ये प्यारे बच्चे। ये शॉट अच्छा है, पैरों से रोकने की कोशिश, लेकिन पैरों में हल्की सी गुदगुदी हुई होगी, छू करके पैरों को निकल गई वहां से गेंद। बहुत अच्छी ड्राइव, लेकिन एक ही रन केवल मिलेगा। 3.1 ओवर के बाद 35-35 पे 1, चिराग 10 गेंद पे 16 रन बना करके नॉन स्ट्राइक रेट पे, और 8 गेंद पे 16 ही रन बना करके स्ट्राइक रेट पे है अरुण। केविन गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए इस समय मारुति डीएम की तरफ से, मारुति डीएम के ओनर है मंथन भाई नयानी, आपका बहुत बहुत स्वागत मारुति डीएम से आप हैं। और इस बीच यहां पे जाना पड़ेगा बैट्समैन को, खुश होगी यहां पर मारुति डीएम की टीम, लेकिन खुश नहीं होगी रेनी इंपेक्स की टीम, ओनर जिसके हैं दीपेन भाई धमेलिया। नए बल्लेबाज मुकुंद आ रहे हैं, ठंडी का मौसम जब रहता है, सुबह सुबह कोहरा पड़ता है, थोड़ी सी दिखाई देती है धुंध, लेकिन बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं मुकुंद। 35 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे, और चिराग मेवासा से बहुत सारी उम्मीद है, 10 गेंद पे 16 रन बना करके खेल रहे हैं। और अभी भी अगर देखा जाए यहां पे तो 7 ओवरों का मुकाबला और लगभग आधे से ज्यादा ओवर आने शेष है। केविन इस ओवर में रनआउट के रूप में एक विकेट अपनी टीम को दिलाते हुए, छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियां, हाँ छोटी वाली निकल गई, बड़ी वाली गिर गई, देखिए पापा दोनों को संभालते हुए। पढ़ेंगे बेटियां, सपना साकार होगा। अब तो देखिए WPL भी चल रहा है और हमारे देश में जब से क्रिकेट का क्रेज बढ़ा है ना,
क्रिकेट का क्रेज बढ़ा है, कहीं ना कहीं आपने सेव कर दिया है, सेव गर्ल्स चाइल्ड जो कहा जाता है ना, आपने कहीं ना कहीं सेव कर दिया उनको, क्योंकि आप अगर काबिल बना दीजिए ना तो फिर दहेज की कोई दिक्कत नहीं, और दहेज की टेंशन अगर हट जाए तो ज्यादातर ये सभी चीजें, और क्या फर्क पड़ता है दहेज मांगने वाले और एक भिखारी में, भिखारी एक बात अलग है, फटे चीथे चिथड़ों में रहता है, कटोरा लेकर के भीख मांगता है, और आप सूट बूट पहन के भीख मांगते हैं, दहेज और भीख में कोई फर्क नहीं होता है। जो सुनने वाले हैं उनको लगता होगा स्वेच्छा से दिया गया जो भी है उसे आप स्वीकार करते हैं वो दान होता है, और मांग के लिया गया वो दहेज होता है, दोनों में ये फर्क होता है। दान तो राजा जनक ने भी दिया था अपनी सुपुत्री माता सीता को उनकी विदाई में, लेकिन वो दान था, दहेज नहीं था, और मांग दिया तो वो दहेज है। चलिए, ये गेंद लेग स्टंप पे थोड़ी सी मिस कर रही थी, लेग स्टंप को छोड़ रही थी, वाइट का इशारा आता हुआ, नरेश मोदी जी आप मंच की तरफ आ जाएं, दलसुख पटेल जी आप आ जाएं, हरीश नारी जी आ जाएं, दीक्षांत काशोदरिया आप आ जाएं, संजय धाडवदर आप भी आ जाएं, जितना नाम मैंने लिया, नरेश जी, दलसुख, हरीश जी, दीक्षांत जी, संजय जी, आप हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ जाएं। आज बड़ी सौभाग्य की बात है, यहाँ पे बहुत सारे महानुभावों का यहाँ पे आगमन होने वाला है। 41 पे 2, 3.4 ओवर के बाद 41। मिथिल आज स्टेज पे नहीं आ रहा है, कल मिथिल के बारे में हम लोग बहुत सारी चर्चा किए थे, आज मिथिल कह रहे हैं नहीं, नहीं आज मैं नहीं आने वाला हूं। इस ओवर में अगर जितने सिक्सर लगते हैं, सोनल बेन पटेल जी की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार है, इस ओवर में जितने सिक्सर लगते हैं, एक ही गेंद बची है, हाँ इस ओवर में तो एक ही, अगले ओवर में भी सोनल बेन पटेल की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार है, अगले ओवर में जितने भी सिक्स लगते हैं उतने 501 रुपए मिलेंगे। और स्वागत की कड़ी में सबसे पहले स्वागत करने जा रहे हैं नरेश मोदी जी, उनके कर कमलों द्वारा यहाँ पे स्वागत होने जा रहा है चंद्रकांत मोदी जी का, एक बार जोरदार तालियां चंद्रकांत मोदी जी के लिए। चंद्रकांत मोदी जी के लिए स्कोर 4 ओवर 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर, आफ्टर 4 ओवर स्कोर इज 43 लॉस ऑफ 2 विकेट। चार ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन 2 विकेट के नुकसान पे इस समय रेनी इंपेक्स, नैना बेन का स्वागत यहां पर करते हुए जो कि पूर्व नगर सेविका है, उनका स्वागत करते हुए इसमें दलसुख पटेल जी, क्या बात है, दल का सुख जो देता है वो दलसुख होता है, यही हमारे दलसुख पटेल जी हैं, और दल की जब बात आती है तभी आप नगर सेविका रही हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी आप नगर सेविका बने। हाँ अश्विन भाई बिल्कुल आपके पैनल में ही है, और समाज सेविका सोनल बेन पटेल जी, उनका स्वागत हरीश नारी जी कर रहे हैं इस समय, जिनकी तरफ से इस ओवर में प्रत्येक सिक्स पे 501 रुपए का पुरस्कार भी है, जोरदार तालियां। और दिशांत जी आ जाएं, और दिशांत जी अब स्वागत करेंगे भूपेंद्र भाई का, दिशांत काशोदरिया स्वागत करेंगे भूपेंद्र भाई का, बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय देखिए विकेट का भी पतन होता हुआ, और हर्षा बेन का यहाँ पे अब स्वागत खुद करेंगे अश्विन जी, और साथ में यहाँ देखिए संजय जी हैं, संजय जी स्वागत करेंगे, और इसके बाद शैलेश पटेल जी का स्वागत करेंगे यहाँ पर अश्विन जी।
स्वागत होता हुआ यहाँ पे, स्वागत और अभिनंदन का सिलसिला भी चल रहा है हमारे मंच पे। और स्कोर 43.1 ओवर के बाद इस समय रेनी इंपेक्स का 3 विकेट गिर चुके हैं। कमेटी मेंबर भी है साथ में, थोड़ी सी चर्चा है, समय का भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। मारुति डीएम की तरफ से मैं चाहूंगा कि समय का थोड़ा आप ध्यान दें। स्कोर 43-43, 3 विकेट के नुकसान पे। इस बार कड़क शॉट है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गिर जाती हुई, एक ही रन मिलेगा, रन भले एक मिले लेकिन शॉट अच्छा था, कोशिश अच्छी थी। लेकिन हमारे पटेल समाज में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग नगर सेवक हैं, नगर सेविका हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय में ऐसे ही आप लोग आगे बढ़िए। आगे निकलिए, फील्डिंग अच्छी वहां पर थी लेकिन रोक नहीं पाए गेंद को, कैसे मारे खाक बाहर जाती हुई। SBPL चौका आता हुआ, 4 रन, SBPL चौका 4 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 48-48 पे। 4.3 ओवर का खेल हुआ है, 48 रन। सभी महानुभावों का पुनः एक बार अभिनंदन, ऐसे ही आप लोग खुश रहें। चंद्रकांत मोदी जी की तरफ से फाइनल विनिंग टीम के कैप्टन को मोदी जैकेट दी जाएगी और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इस ओवर में 3 गेंद अभी बची हुई है और 6 अगर आया तो लीजिए। हाँ, यहाँ पे क्या 6 है, जी हाँ, यहाँ पे पहले ही सोनल मैम ने कह दिया था कि नहीं नहीं नहीं, 500 की नोट बिल्कुल, देखिए वो पर्स निकाली रही थी, बल्लेबाज ने कहा रुक जाइए मैं लेकर के ही तभी जाने वाला हूं। 2 गेंद और बची हुई है, बैट्समैन का नाम नोट कर लीजिए और आप स्कोरर अपने पास रख लीजिए, मुकुंद है। 2 गेंद और बची हुई है इस ओवर की, क्या बात है मुकुंद। ये 500 की पुरानी वाली नोट भी नहीं मिल पाएगी यहां तो, अब वैसे भी किसी के पास नहीं होगी, कोई याद के लिए भले रखा होगा, मेरे पास भी एक है, पहली कमेंट्री करने में जो मिली थी नोट वो 500 की थी, वो ऐसे ही पड़ी है आज भी और कभी नहीं खत्म होने वाली है वो। 4.5 ओवर के बाद 55 आखिरी गेंद इस 5वें ओवर की, ग्राउंड शॉट, सिंगल यहां पे मिल जाएगा और अब यहां पे जब मोदी जैकेट की बात हो रही है तो 56 इंच के सीना की बात क्यों ना हो। तो इस समय 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 56-56, 3 विकेट के नुकसान पे। एक ओवर है अभी, आखिरी ओवर आप लोग जरूर देखिए। अश्विन भाई बैठिए, सभी लोग, अश्विन भाई अभी तो मैं भी इंतजार कर रहा हूं, अभी तो किसी से मेरी चर्चा हुई नहीं। हाँ यस, अभी बाकी है सर, एक ओवर कह के पहले रोकिए, 2 ओवर तो है ही ना। पांच ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन बने हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर हम चंद्रकांत भी मोदी जी से ही थोड़ा सा चर्चा करेंगे, थोड़ी बातें करेंगे इस गेंद के बाद। और ये देखिए सिंगल यहां पे मिल जाएगा, सिंगल क्या डबल में तब्दील होगा, 56 हुआ है स्कोर, अब 57 पे पहुंच जाएगा। हाँ, चंद्रकांत भी मोदी जी हमारे साथ यहां पे जुड़े हैं। सर सबसे पहले तो आपका आपके अपने इस पटेल परिवार में स्वागत है, सर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, क्योंकि ऐसा सम सूर्योदय भाव और एकता के साथ सब लोग खेल रहे हैं, मैं सबको दिल से धन्यवाद करता हूं। क्या बात है, मुकुंद लखानी यहाँ पे 6 लगाते हुए, जैसे ही आपने कहा और 6 बल्लेबाज ने लगा दिया। सर मोदी जैकेट मिलेगी, देखिए यहाँ पे वो, क्या बात है, 500 की नोट उधर से आ रही इधर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे मुकुंद, 6 पे 6 लगा रहे हैं, सर क्या लगता है कि पटेल समाज की एकता ऐसे क्रिकेट के माध्यम से भी बढ़ रही है? दिनों दिन मैं पहले से देख रहा हूं, जब से मेरा रोड बसा तब से दिनों दिन पटेल समाज की प्रगति 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 है। और ये तो प्रगति बल्लेबाज की भी है इस बार। ओहो बल्लेबाज, ये देखिए जो फील्डर है ना, क्या नाम है इनका, धोनी, ये भी सोच रहे हैं ना, उमंग,
कि नहीं बल्लेबाज मुकुंद को कुछ पैसे मिले, हमारा बट जाएगा थोड़ा सा, उसमें से कुछ हिस्सा मिल जाएगा। नहीं, बहुत अच्छे फील्डर है, इनके हाथ से जीवन दान पाना समझ लीजिए बहुत बड़ी बात। लेकिन कैच अगर छूटा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फील्डर खराब हैं। अगला कैच हो सकता है उससे शानदार आप ले सकते हो, अपने को जोश से बिल्कुल भरपूर रख के। लेकिन नहीं, ये 500 की नोट लेते हुए जस्टिन चंदकांत जी, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे कमेटी के हमारे मेंबर दिनकर जी के बारे में, अश्विन जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अश्विन जी जो दोनों भाई की तरह अच्छी तरह से दोनों सेवा भी करते हैं और ऐसा कार्यक्रम भी लगाते हैं, हमको हमारे शहर के लिए बहुत खुशी की बात है और ऐसे कार्यकर्ता हमने कभी देखे भी नहीं और आगे आने वाले दिनों में देखेंगे भी नहीं। ये बल्लेबाजी से ज्यादा 500 की नोट का कमाल है, 500 की नोट का कमाल है ये। मैम, आपका भी फेवरेट गेम क्रिकेट ही है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि हर भारतीय का फेवरेट गेम क्रिकेट है। तो आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है? कपिल देव। कपिल देव, एक बार जोरदार तालियां। बिल्कुल कपिल देव। सर आप बताइए, आपके शरीर को देख करके लग रहा है बॉलीवुड वाले आप। नहीं नहीं, आप बताइए। नहीं, आप मुझे मालूम है आप घर के हैं, घर वालों, ऐसा नहीं है कि मेहमानों को खिलाया जाए घर वालों को भूखा छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। सिक्स, आपको तो ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि पैसा मैम के पर्स से निकल रहा है, सही बात है? ये मिल रहा है तो मेरे पटेल भाई को ही मिल रहा है ना, और प्रोत्साहित कर रही है मैडम आके, इसलिए मैं इतना खुश हो रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। एक बार स्कोर बता दीजिए आशीष जी, स्कोर बता दीजिए। 82-82। चलिए, ये तो बिल्कुल मोदी जी जैसे ही लग रहे हैं। बहुत ही बढ़िया आयोजन किया है अश्विन कासोदरिया और दिनकर बोरिया ने, और ये स्पोर्ट्स से सब युवाओं की एनर्जी और उसकी जो क्षमता है वो कैपेसिटी बढ़ती है। सद्भावना स्पोर्ट्स से आपस में प्यार और प्यार आपस में प्यार और सद्भावना बढ़ता है और स्पोर्ट्स देश इस देश में जितना भी आगे बढ़े उतना अपना प्रधानमंत्री भी कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी हो इस देश से बाहर निकले और देश का नाम रोशन करें। जय हिंद। चलिए कोई बात नहीं, सिक्स का प्राइस अब यहीं पे रुक जा रहा है, लेकिन कितने सिक्स गई मैम पूछ रही है, काउंट करिए। पांच पांच, रुक जाइए मैम, ये पारी खेलने के बाद ही आना है ना उनको। सोनल मैम, सोनल मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां, तालियां बजाइए। ये उत्साह बढ़ा रही हैं अपने यहाँ पे जितने भी भाई हैं पटेल समाज के, उनका उत्साह बढ़ाती हुई यहाँ पे सोनल मैम। सबसे पहले मैम बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैम, खुशी आपको क्रिकेट देख करके हो रही है, सिक्सर देख करके हो रही है, या अपने ये पटेल समाज के जो अपने परिवार के लोग हैं, भाई लोग हैं, उनको 500 की नोट देकर के हो रही है, खुशी किस बात पे हो रही है सबसे ज्यादा? मुझे मने खुशी एटला माटे थाई छे के आजे अहिया बधा मारा भाईओ पटेल समाज ना अमारा गुजरात ना भाईओ रमी रह्या छे, ए जोईने वधारे खुशी थई। अहिया रमवा वाला टोटल बधा ज पटेल समाज ना लोको छे, एटला माटे हूँ पण एक पटेल नी दीकरी छू तो एने प्रोत्साहित करवा माटे स्पेशल आव्या छीए। पटेल समाज नी जय हो। हर्षाबेन भी खुश हो रही हैं, लेकिन मैं उससे कुछ नहीं पूछूंगा। हर्षाबेन सही बताइएगा, आप खुश रही हो रही हैं क्रिकेट देखकर कि सोनल मैम के पर्स से पैसा निकल रहा है इसलिए आप खुश हो रही हैं? सोनल मैम के पर्स से पैसा निकल रहा है इसके लिए खुश हो रही है। ये मुझे मालूम है, ये मुझे पता था क्योंकि एक साथ बैठी है, जैसे जैसे मैम पैसा निकाल रही है बहुत खुशी हो रही है। मैम सही इसी बात पे खुश हो रही है? नहीं नहीं, आज यहाँ पे सारे हमारे गुजराती भाई लोग खेल रहे हैं इसीलिए। क्या बात है, एक बार सबके लिए जोरदार तालियां। चलते हैं सीधे कमेंट्री बॉक्स में क्योंकि बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पे हो रही है। 87-87 क्या बात है, हंसी मजाक का सिलसिला भी यहां पे जारी है, लेकिन हमारे स्कोरर ध्रुव एक एक पल की जानकारी हमें दे रहे हैं इस समय। 87 तीन विकेट के नुकसान पे 6.4 ओवर का खेल हुआ है और बिल्कुल जैसे ही ओवर समाप्त होगा जो सिक्सर किंग है वो आ जाएंगे। ये चौका आता हुआ 4 रन के साथ, रन संख्या अब 91 पे। आखिरी गेंदानी शेष है, कौन कौन सिक्स लगाया है? एक है मुकुंद और जस्टिन। आप उधर मत जाइएगा, आप जस्टिफाई तभी कर पाएंगे जब आप कमेंट्री बॉक्स में आएंगे।
क्योंकि तुरंत आपको आना है मैम के हाथ से ये प्राइज जो रखा गया है कैश प्राइज है मुकुंद और जस्टिन 6.5 ओवर के बाद इस समय रेनी इंपेक्स 91 तीन विकेट के नुकसान पे आखिरी गेंद खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है जस्टिन क्लीन बॉल्ड जस्टिन 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 इधर आ जाइए जस्टिन और मुकुंद एक बार आप इधर आ जाइए सर सोनल मैम के कर कमलों द्वारा प्राइज दिया जाएगा हमारे स्कोर ध्रुव बता रहे हैं कितना जस्टिन को तीन और मुकुंद को दो सोनल मैम आप आ जाए आपके कर कमलों द्वारा वहां पे पुरस्कार दिया जाएगा आशीष जी सबसे पहले मैं जस्टिन को बुला रहा हूं आप उसी हिसाब से प्राइज दीजिएगा आशीष जी अगर ऊपर नीचे कुछ भी हुआ तो आप समझ लीजिए बस बहुत खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया है सोनल बेन पटेल ने जोरदार तालियां एक बार सोनल बेन जी के लिए जस्टिन 3-6 लगाए 3-6 1500 नगद राशि लहरा दो ये 500 की नई वाली नोट लहरा दो मुकुंद अब आ जाए मुकुंद 2-6 ये गाना बिल्कुल इसी समय फिट बैठ रहा है एक बार फिर से सोनल बेन के लिए जोरदार तालियां और सभी मेहमानों के लिए जोरदार तालियां चंद्रकांत मोदी जी के लिए नयना वसानी जी के लिए सोनल बेन के लिए और भूपेंद्र जी के लिए शैलेश पटेल जी के लिए और हर्षा जी के लिए जोरदार तालियां सभी के लिए जोरदार तालियां और ऐसे ही खुशी के क्षण आप लोग देते रहिए सर बिल्कुल बिल्कुल सर आप आइए क्योंकि मोदी जैकेट की ख्वाहिश किसको नहीं है और जो जीतेगा वो यहाँ पे मोदी जैकेट जरूर पाने वाला है और हम लोग भी सर बिल्कुल कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने उसी कड़ी से जुड़े हैं और खुद यहाँ पे देखिए यहाँ पे चंद्रकांत वी मोदी जी मोदी जैकेट पहने हुए हैं और यहाँ पे एक फोटो सेशन चलता हुआ हमारे तीनों अंपायर देखिए यहाँ पे देख रहे हैं इस गोविंद जी गोविंद तारक जी अजीत यादव जी अवधूत माने जी क्या गजब की अंपायरिंग कल से आज तक हुई है अंपायरों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए अभी उनका काम समाप्त नहीं हुआ लेकिन गजब की अंपायरिंग और जल्द से जल्द दूसरी इनिंग शुरू की जाए लक्ष्य 92 का है और हमारे स्कोरिंग टीम में देखिए ध्रुव हैं और गौरव हैं सत्यम डीजे को कौन भूलेगा सत्यम मिश्रा मड़ियाहू वाले जौनपुर वाले सभी महान भाव हैं और अब यहाँ पे जो हमारे अतिथि आए हैं हमसे अब विदा लेते हुए दोनों कमेंटेटर को मोदी जी की तरफ से 500-500 रुपए का यहाँ पे पुरस्कार क्या बात है अपने मुंह से ही बोलना पड़ रहा है लेकिन कोई बात नहीं चंद्रकांत जी बहुत बहुत आपका आशीर्वाद ही हम लोगों के लिए बहुत पर्याप्त है क्योंकि आप यहाँ पे बैठे और निश्चित रूप से बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को क्या बात है बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत बहुत अभिनंदन और आज बिल्कुल इनामों की झड़ी है लेकिन इस बीच यहां पर अब मैदान में रेनी इंपेक्स की टीम खड़ी है और उनकी आंख इस समय मारुति डीएम से लड़ी है क्योंकि उनके सामने 92 का लक्ष्य है और उसे प्राप्त करना है स्टार 11 और एप्पल जिम्स के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए
पांडे जी बहुत खुश नजर आ रहे हैं आज ये गाना जब बजा। ये इनका फेवरेट गाना है, लेकिन इस बार अंपायर ने यहाँ पे व्हाइट का इशारा दिया है। मारुति डीएम की इनिंग शुरू हो चुकी है। एक बार मैं दोनों टीम के ओनर को बधाई दे दूं। मारुति डीएम की बात किया जाए, ओनर है मंथन भाई नयानी, और नेक्स्ट मैच में टॉस जीता है एप्पल जेम्स ने और बैटिंग लिया है। थैंक यू, आज सिलसिला यही जारी है। और रेनी इंपेक्स की अगर बात किया जाए तो रेनी इंपेक्स के टीम ओनर है दीपेन भाई धमेलिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जितने भी महानुभाव यहाँ पे उपस्थित हैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। गेंदबाजी कर रहे हैं चिराग, हाँ हवा का झोंका जबरदस्त है यहाँ पे। आशीष जी यूट्यूब पे एक चर्चा इस समय सारस, एक सारस पक्षी की बहुत ज्यादा है, एक शख्स जिसका नाम आरिफ, और देखिए कैसे उसका लगाव है उस सारस पक्षी के साथ, और इस बीच नो बॉल का इशारा आता हुआ, लेकिन उसे वन विभाग की टीम ले गई है और आज भी दिख रहा है। लेकिन इस समय दो गेंद पे 9 रन आ गए हैं, 40 गेंद पे 83 रन बनाने हैं। बलदेव बल्लेबाजी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, साथ में उनके केबिन है चिराग मेवासा, गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए 2 गेंद पे 9 रन खर्च कर चुके हैं चिराग मेवासा। ये गेंद बल्ले पे आई नहीं ठीक प्रकार से, लेकिन जा रही है इस समय वाइडिस लोंगन के क्षेत्र में, वहां पर फील्डर है वीरेन, अच्छी फील्डिंग, रन आउट का खतरा हो सकता था, लेकिन नहीं। आज प्राकृतिक चूर्ण जरूर सबको मिलेगा, बसरते जो पाउडर होता है वो सफेद कलर का होता है, गोरापन आपका बढ़ाता है, ये चेहरे की लालिमा को बढ़ा देगा। ये लाल मिट्टी है, धूल के कण उड़ रहे हैं। 3 गेंद पे 11 रन बन चुके हैं, मारुति डीएम इसमें पीछा कर रही है, 92 रनों का लक्ष्य दिया गया है। और पूरे कमेटी की तरफ से जो भी समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, समाज के विशिष्ट जन उपस्थित हैं, छोटे प्यारे बच्चे हैं, युवा हैं, विशिष्ट हैं और बुजुर्ग हैं, जो भी हैं यहाँ पे सभी का इस कमेटी की तरफ से, SBPL कमेटी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपकी उपस्थिति हमारे लिए निश्चित रूप से गौरवमयी है। और फूड काउंटर ओपन हो चुका है, जो लोग फूड नहीं ग्रहण किए हैं, लंच ग्रहण नहीं किए हैं, वो लोग लंच कर लें और अपना कूपन लेकर के वहां पे जाएं। बलदेव छोटे कद काठी के हैं नाम, लेकिन बलदेव है इस बार इनसाइड आउट, क्या खूबसूरत शॉट, मिड आपके फील्डर के हाथों में खेल बैठे हैं, अपने आप से नाखुश होंगे और फील्डर वहां पे खुश है, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा बैठ जा बैठ जा, बिल्कुल झोली में आकर के बैठ गई ये गेंद। फील्डर अरुण है वहां पे, फील्डर अरुण। अब यहां पे अगर देखा जाए तो पहला विकेट 11 पे 1, 4 गेंद हुई है, 38 गेंद पे 81 रन की आवश्यकता है, 38 गेंद पे 81 रन की आवश्यकता है, रिक्वायर्ड रन रेट 12.79 की है। एक नगर सेवक ही सबके बारे में सोच सकता है कि कौन कब सोता है कब जागता है, यह अश्विन भाई को ही पता है, क्या बात है। सेवक, अपने नगर की सेवा करने वाला जो नगर सेवक हो, कभी ऐसा दिन भी आए कि अपने में से ही पटेल समाज में से कोई निकल करके अश्विन जी खास खास आमदार हो जाए, कुछ हो जाए, और फिर भी हम लोग यहीं पे कमेंट्री करने के लिए आए, कितना मजा आएगा वो दिन। ईश्वर हो सकता है सुन ले कि कब किसकी किस्मत में क्या लिखा है कोई नहीं जानता। 5 गेंद पे 12 रन बन गए हैं, लेकिन एक सफलता जाते जाते चिराग मेवासा प्राप्त कर चुके हैं। फील्ड में तब्दीली हो रही है, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है, केविन स्ट्राइकर एंड पे है, समय का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। गोयानी, हाँ यस, एक नंबर की जर्सी पहन के हमारे ठीक कमेंट्री बॉक्स के सामने ही फील्डिंग कर रहे हैं। 1 रन मिल जाएगा, ऑनसाइड में गेंद को खेला है, पहला ओवर समाप्त, 13-13 पर 1,
और अभी भी 36 गेंद में 79 रन की आवश्यकता। ये मुकाबला आप देख रहे हैं रेनी इंपेक्स और मारुति डीएम के बीच का। टॉस जीता था रेनी इंपेक्स के कैप्टन ने, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, 91 रन बनाए, 92 का लक्ष्य दिया है और उस 92 का पीछा करते हुए पहले ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान पर 13 रन बना चुकी है इस समय मारुति डीएम की टीम। लेकिन अब जरूरत है कि बची हुई 36 गेंदों पे 79 रन किए जाए। 7 ओवरों का निर्धारित मुकाबला है। देखना है कि किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं। वहां पर लालू आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, बल्लेबाजी में आज थोड़े से दुर्भाग्यशाली थे, लेकिन इस समय गेंदबाजी में भी दुर्भाग्यशाली हुए क्या, क्योंकि गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है, फील्डर उस ओर भागते हुए, फाइल लेके फील्डर थे, बिल्कुल डीप थर्ड मैन में गए, थर्ड मैन के क्षेत्र में गए, गेंद को उठाया, वापस किया, अच्छी फील्डिंग है। लालू लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, लालू की गेंद और इसे खेल दिया डी मिड विकेट के क्षेत्र में, गेंद जा रही है, दो दो फील्डर थे, दोनों के बीच से गेंद निकली सीमा रेखा के पार जाती हुई 4 रन के लिए। केविन अपने केविन में आज बहुत सारे रन बंद करेंगे तभी उनकी टीम के लिए फायदा होने वाला है। वही कोशिश करते हुए मारुति डीएम के एक बल्लेबाज, साथ अब उनका निभाना होगा उमंग को क्योंकि बलदेव जा चुके हैं। लालू लंबे कदकाठी के गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और इस बार थोड़ी सी पटकी हुई गेंद और गेंद को खेला मिड ऑफ के क्षेत्र में, 1 रन के लिए निकले, 1 रन पूरा होता हुआ। तेज हवा का झोंका चल रहा है, धूप कितनी भी हो प्रतीत नहीं हो रही है, ज्यादा लग नहीं रही है क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हमें भी धूप का ज्यादा असर नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम लोग यहाँ पे जो शरबत पी रहे हैं वो क्या है, वरियाली शरबत। लेकिन एक और विकेट का यहाँ पे पतन होता हुआ, बिल्कुल हवा में गेंद को खेला, आउट होकर के बल्लेबाज जाते हुए और उन्होंने एक और कैच पकड़ा। हाँ, और ये जो यहाँ पे 2-3 सोफा लगाए गए हैं, मैं चाहूंगा कि वो बिल्कुल खाली करके आप सभी लोग रखें क्योंकि बहुत सारे चीफ गेस्ट आ रहे हैं, तो सोफा खाली रखें आप सभी लोग और चीफ गेस्ट आ रहे हैं उनको बैठने के लिए बिल्कुल वो जगह पहले से निर्धारित रहे, यही आप सभी से निवेदन है। सभी समझदार है, देखिये जैसे मैंने कहा सभी लोग अपने स्थान पे बैठते हुए। बीस पे 2 1.4 ओवर के बाद 32 गेंद पे 72 रन की आवश्यकता है इस समय मारुति डीएम की टीम को। 2 विकेट गिर चुके हैं, दोनों कैच लिया था, गेंदबाज बदले थे लेकिन बल्लेबाज भी बदले थे लेकिन फील्डर वही थे, नाम उनका अरुण, मिड ऑफ पे खड़े रहते हैं। अच्छा कैच, लेकिन इस बार भी विकेट कीपर गेंद के नीचे आते हुए एक अच्छा कैच, हैट्रिक का यहाँ पे चांस होता हुआ लालू के लिए। गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं, नाम है लालू, फिरकी में अपने फंसा के रखा है, धीमी गति की गेंद थी और बल्लेबाज ने खेला, गेंद वहीं पर उठ गई, विकेट कीपर गेंद के नीचे आए, कॉलिंग अच्छी थी लालू को, यहां पर हैट्रिक का चांस। क्या कल से आज तक कोई हैट्रिक हुई है? नहीं हुई है क्या? पहली हैट्रिक बनेगी। लालू देख रहे हैं बल्लेबाज को, अब आए हैं मंथन। क्या मंथन इस टीम को, शायद मुझे लग रहा है कि मारुति डीएम के ओनर भी हैं और हैट्रिक भी बचानी है मंथन को। मंथन नयानी हैट्रिक बचानी है, हैट्रिक बचा लिया, टीम के ओनर हैं ये। सिंगल लेते हुए स्ट्राइक रोटेट किया, छोर को परिवर्तित कर लिया, स्ट्राइक रहने पे फिर बल्लेबाज अब आएंगे, लेकिन जी नहीं, ओवर समाप्त हुआ तो स्ट्राइक उन्हीं के हाथ में रहेगी, मंथन के हाथ में। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21-3 विकेट के नुकसान पे करंट रन रेट जो है देखिए 7 की है, रिक्वायर्ड रन रेट जो है 14.2 की है, 30 गेंद पे 71 रन की आवश्यकता और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21-3 कौन सी टीम जीतेगी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन न्यू गेंदबाज अब चिराग मेवासा, ना न्यू बॉलर चिराग मेवासा। अब स्ट्राइकर एंड पे मंथन नयानी सामना करेंगे चिराग मेवासा का। हवा में गेंद थी, काफी देर तक सीधे बल्ले से खेला था लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सिंगल लेते हुए वहां पे मंथन। बल्ला शायद बदलना चाहते हैं बल्लेबाज केविन, 4 गेंद पे 6 रन बना करके खेल रहे हैं, उम्मीद
ज्यादा है उनसे और उस उम्मीद को देखना है कि कैसे पूरी करते हैं, क्योंकि 29 गेंदें अभी भी बची हैं और रन अभी भी यहां से 30 गेंदें बची हैं, नो बॉल थी तो 30 गेंद बची है, 30 गेंद पे अभी भी 69 रन की आवश्यकता है। ये शॉट अच्छा है, फील्डर बिल्कुल मिड विकेट के क्षेत्र में खड़े थे, काउ कार्नर उसको कह लीजिए। हाँ, थ्रो अच्छा है, रन आउट का एक चांस हो सकता था। विचार विमर्श वहां पर मंथन के साथ करते हुए केविन, लेकिन मंथन कह रहे थे कि आप और थोड़ा दौड़ते ना तो मेरे लिए केविन बंद हो जाती, नहीं पहुंच पाता मैं। ये शॉट अच्छा है और इसी की जरूरत है इस बार। फाइनल का फील्डर खड़ा था लेकिन उनके बगल से गेंद को खेला है चार रन के लिए, SBPL चौका आता हुआ। मंथन अब अपने भरोसे पे आ गए हैं, उन्हें पता है टीम के जो साथी बल्लेबाज है, टॉप क्लास के 3 बैट्समैन वो आउट हो चुके हैं, अब उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। और घर का जब मुखिया लीड करता है और उसे अगर गुस्सा आता है तो सोचिए वो सातवें आसमान पे होता है। अब फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली, मिड ऑफ के फील्डर को लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खड़ा किया गया है, लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन है। इस बार भी गेंद को उठा करके खेला, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद जाते हुए मंथन की पारी का अंत होता हुआ, मुकुंद ने वहां पर कैच लिया। जाना पड़ेगा मंथन को भी, हताश है, निराश है, बैट लेकर के जाएं वहां पे। हर जी, आप सभी बैट्समैन से एक ही रिक्वेस्ट है कि बैट एक लेकर के ही ग्राउंड में प्रवेश करें। थोड़े से नाखुश है वहां पे मंथन, काफी अच्छा शॉट इसके पिछली गेंद पे था, चौका पाया लेकिन थोड़ा सा और लालच में आ गए और गेंद को खेला मिड विकेट के क्षेत्र में, उठ गई गेंद और सीधे मुकुंद के हाथों में। आज हमारे बीच में देखिए कई महानुभाव उपस्थित थे, उनमें सोनल बेन भी थी, यहां पे भी कैच का एक चांस हो सकता था। सोनल बेन भी थे, उनके करकमलों द्वारा यहां पे सिक्सर पे जब प्राइज रखा था और जस्टिन ने 3 सिक्स लगाया था, उन्हें 1500 रुपये मिले और मुकुंद ने 2 लगाया था सिक्स, उन्हें जो है 1000 रुपये मिले। तो बहुत सारे इनामों की झड़ी लगी वहां पे और वो टीम बिल्कुल अच्छी स्थिति में भी है। सिंगल, जो भी गेंदबाज अब विकेट लेगा, दीपिन भाई धामिलिया की तरफ से 501 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। दीपिन भाई धामिलिया, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे ही अब ये टीम सोच रही होगी इस समय 32-32, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 32, 4 विकेट के नुकसान पे, 24 गेंद पे 60 रन की आवश्यकता। ये टीम काफी खुश होगी। ये टीम काफी खुश होगी क्योंकि जब ये बल्लेबाजी कर रहे थे तो 6 पे वहां पे प्राइज था और इन्होंने जीता, अब विकेट पे प्राइज है। लालू आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, जो सबसे लंबे कदकाठी का दिखाई दे वो या तो लालू होंगे या तो गोयानी होंगे। इस बार गेंद को उठा करके खेला है लालू, 500 की नोट है ये, आहा, वेस्लिन लग गया था, ग्लिशिन लग गया था उस नोट में, हाथों से हवा में उड़ गई, लाल दुपट्टा उड़ गया, अरे मेरा, हवा के धोखे से, है ना, हवा के झोंके से उड़ गया ये, 500 की नोट उड़ गई है यहां पे। बहुत अच्छा प्रयास, बहुत ऊंचाई पर गेंद थी, सूरज की किरणें भी पड़ रही है, नहीं तो लालू से कैच छूटना मतलब बहुत बड़ी बात। बहुत अच्छे फील्डर है और बिल्कुल तैयार रहना चाहिए ऊंचे मनोबल के साथ। और इस बार फिर ये गेंद को खेला है गोयानी, आहा, गजब का कैच लेते हुए गोयानी, 15-20 कदम भागे थे गोयानी और कह रहे थे लालू बस 250 रुपये मुझे दे देना, बाकी काम मैं कर लूंगा। नाम गोयानी और कर दिया यहां पर अपनी मनमानी, लिख दिया गजब की कहानी, 500 की नोट जो इनकी झोली में अब है आनी, नाम गोयानी। बल्लेबाज जा रहे हैं बिठानी, क्या बात है यार, कैच लिया गोयानी, 500 की लिख दिया कहानी,
नए बल्लेबाज मिस्टर बिठानी। 33। हाँ, कैच लिया गोयानी ने। लालू को 500 मिलेंगे तो उसमें से गोयानी को भी कुछ मिल जाएगा। थोड़ा सा हंसी मजाक चलता हुआ, ये हमारे जो प्लेयर हैं इतने बड़े लेवल के हैं कि पैसे मायने नहीं रखता, लेकिन उत्साह बढ़ाने के लिए उनके ही परिवार के सदस्य अगर उन पर इनाम रखते हैं तो केवल उत्साह बढ़ाया जाता है। उसे हंसी और मजाक के दृष्टिकोण से ही हम लोग थोड़ा सा कह रहे हैं। फिलहाल जबरदस्त ये मुकाबला चलता हुआ, अभी गेंद और बल्ले के बीच का संघर्ष जारी है। 21 गेंद पे 57 रन की आवश्यकता है मारुति डीएम की टीम को इस बार हवा में, ये लेकिन सुरक्षित क्षेत्र में। एक रन मिला दूसरे रन के लिए, आधा सफर तय कर लिया था तब साथी ने लौटा दिया। 20 गेंद पे 56 रन की आवश्यकता है, 36 बने हैं, 56 की है आवश्यकता। 3.4 ओवर का खेल हुआ है भारतीय डीएम की इनिंग का। 36 रन पे 5 विकेट गंवा चुकी है भारतीय डीएम की टीम। केविन के लिए अगली गेंद लालू की, ये भी खेलना चाहते थे इसे ऑन साइड में मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आई। अच्छी गेंद थी, गेंद की लेंथ तक नहीं पहुंच पाए थे, लंबाई को नहीं भाप पाए। इस बार देखिये स्कूप करना चाहते थे, भाग्यशाली थे कि विकेट कीपर नहीं पहुंच पाए, गेंद हवा में काफी देर थी, अन्यथा कैच भी हो सकता था। एक रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 4 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 4 ओवर स्कोर इज 37 लॉस ऑफ 5 विकेट। अब 18 गेंद पे 55 रन की आवश्यकता है, प्रत्येक ओवर में करीब 18-19 रन बनाने हैं, 18.33 के अवसर से रन बनाने हैं। देखना है किस प्रकार से बल्लेबाजी होती है। मैसेज तो वहां पे जा रहा है, जय जा रहे हैं, कुछ कहानी कहेंगे, कुछ कान में कान मंत्रणा वहां पर देने वाले हैं। और तमाम जो दर्शक जो अभी भी धूप में बैठ करके मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, उन दर्शकों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आप खुद से अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लें, सभी दर्शक जो हमारे कमेंट्री बॉक्स के दाहिनी तरफ बैठे हैं, जोरदार तालियां दोस्तों आपके लिए। धूप में बैठ करके भी आप मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ दोस्त एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, मैच का आनंद ले रहे हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जिनकी दोस्ती खैनी खाते हुए हुई है, वो भी एक दूसरे की तरफ जब ताली बजा रहे हैं, महक उड़ा रहे हैं, तो एक दूसरा दोस्त साथ में आ जा रहा है। जैसे भी हो, क्रिकेट का ये नशा है, क्रिकेट का एक क्रेज है जिसका आनंद सभी लोग ले रहे हैं। कैमरामैन देखिए बिल्कुल छांव में, कैमरे के पीछे। हम अपने कैमरामैन को भी बीच बीच में दिखाना चाहेंगे क्योंकि उनका कैमरा वर्क बहुत लाजवाब रहा है। तुषार गोयानी इस समय गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाएंगे, कैमरामैन शुभम, दिनेश और दीपक। ये तीनों एक दूसरे पर कभी भी जूम करके कैमरा नहीं डालते, इसका कारण मैंने कल बताया था। तीनों चेंज है, यस। क्यों, कल हमसे नाराज हो गए थे क्या? इस बार कड़क शॉट है, ये 6 रन आता हुआ, तो आज कैमरा वर्क में जो तीन लोग हैं, स्कोर 43। हाँ, तो आज तीन नए कैमरामैन हैं, शिवम तिवारी। शिवम तिवारी कौन है? उधर उधर बॉलर एंड पे जो है शिवम तिवारी। इस बीच देखिए एक और शॉट है, लेकिन गेंद के नीचे फील्डर आते हुए हवा में गेंद खड़ी हो गई है और ये कैच। आहा, 1 2 3, जैसे लग रहा था कि भजिया जो है वो कढ़ाई में उछल रही हो, अंत में नीचे गिर गई। शिवम तिवारी एक कैमरामैन है, देखिए हमारी तरफ वो देख रहे हैं। शिवम तिवारी एक बार हाथ हिला दीजिए, हम समझ जाए कि आप ही शिवम तिवारी है। एक तिवारी सब पे भारी, और कोई नहीं याद करेगा जो 2 साल पहले आई थी महामारी, लेकिन एक तिवारी सब पर भारी, नाम शिवम तिवारी। और दूसरे हैं वो भी शिवम ही है, सिद्धू, यस। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं बल्लेबाज को बना दिया है अपनी गेंद से, अपनी जाल में फंसाया, कैच लिया था चिराग मेवासा ने। एक और बल्लेबाज आते हुए, तो कैमरामैन शिवम तिवारी हैं, सिद्धू हैं और एक और शिवम है, दो शिवम है। क्या बात है यार, माज क्या है आपकी इन बातों का राज। कल भी आप लाजवाब थे, लाजवाब हैं आज।
आपका नाम जब लेता हूं तो मजा आ जाता है माज। और जो ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा था उसे याद आएगा बाज जो अपने शिकार को लेकर के उड़ा था। मैच थोड़ी समय के लिए रुका था लेकिन इस समय 45, लेकिन अब ये वाइड गेंद तो 46-46, 4.3 ओवर के बाद 15 गेंद पे 46 रन की आवश्यकता है। प्रत्येक गेंद पे लगभग 3 रन बनाने हैं। रन बनेंगे या नहीं बनेंगे ये वक्त बताएगा। बहुत सारे इनामों की घोषणा आज हुई है। हमारे साथी कमेंटेटर आशीष पांडे जी, आज देखिए कल इनको देखा था आपने, दाढ़ी भी दिख रही थी, मूछ भी दिख रही थी, आज दोनों गायब है, क्लीन शेप में बिल्कुल दिखते हुए। चौदह गेंद 46 रन की आवश्यकता, 46 बने हैं, 46 ही बना रहे हैं, लेकिन गेंदें मात्र 14 बची है। अब गेंद समझ में नहीं आ रही है, बल्लेबाज छटपटा रहे हैं, ऐसे छटपटा रहे हैं जैसे रेगिस्तान में पड़ी मछली जो है वो पानी के लिए, पानी की बूंद के लिए तड़प पर रही हो, वैसे तड़प रहे हैं बल्लेबाज, कोशिश कर रहे हैं लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं आ रही है। अब जाकर के यहां पर सिंगल मिल जाएगा और सिंगल से संतोष करना पड़ेगा। नेक्स्ट टीम बिल्कुल रेडी रहे, स्टार 11 और एप्पल जिम्स के बीच का मुकाबला। एप्पल जिम्स ने टॉस जीता है और बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। हमारे साथ स्कोरिंग की जिम्मेदारी ध्रुव और गौरव निभाते हुए, डीजे में सत्यम मिश्रा। टाइम का थोड़ा सा ध्यान दिया जाए क्योंकि बहुत ज्यादा समय लिया जा रहा है, पेनल्टी भी लग सकती है और आगे के ओवर जब कम होंगे तो मजा नहीं आएगा सेमीफाइनल और फाइनल पे, क्योंकि बहुत सारे दर्शक आज यहां पर आने वाले हैं। आज पूरा बिल्कुल ये जो ग्राउंड है खचाखच भर जाएगा। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार बिल्कुल पुलरलित की गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला, बिल्कुल सही समय पे बल्ला नीचे आया, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, फील्डर है थोड़ा सा दो कदम आगे आते हुए गेंद को उठाया, वापस किया, सिंगल लेने का एक चांस राजेश बिठानी। ये शॉट अच्छा है, ये शॉट सच्चा है, बहुत बढ़िया, 6 रन आता हुआ, बेहतरीन बल्लेबाजी और इसी की जरूरत है क्योंकि ये अब काम सिंगल से नहीं होने वाला है, काम सिंगल से नहीं होने वाला है क्योंकि सिंगल से अब कुछ नहीं होगा। यहां पर 9 गेंद पे 38 रन की आवश्यकता है, रन बनाने होंगे। कहते हैं ना खुशी कार से नहीं मिलती, खुशी कार से नहीं मिलती, खुशी प्यार से मिलती है। ऐसे जीत एक रन से नहीं चार से मिलती है, जैसे खुशी कार से नहीं प्यार से मिलती है वैसे जीत एक से नहीं चार से मिलती है। लीजिए चार आ गया, चौका आ गया। अब यहां से अभी भी 8 गेंद पे 34 रन की आवश्यकता है, 8 गेंद पे 34, 8 पे जब 28 चाहिए था तो सबको याद है कि क्या किया था वहां पे विराट कोहली ने, रोप की 2 गेंद को क्या लाजवाब सिक्स लगाया था, लेकिन 8 पे अब 34 चाहिए। गेंदबाज है भावेश और बल्लेबाज राजेश, नहीं समझ में आई गेंद। 7 गेंद पे 34 रन की आवश्यकता है, मुश्किल बहुत है, असंभव अभी नहीं है क्योंकि 6 गेंद पे भी 36 बनते हैं। भारतीय डीएम की टीम के सामने 92 का लक्ष्य। इस बार फुल टॉस बना करके गेंद को खेला, मिड विकेट के फील्डर थोड़े से ड्यूअल माइंड हुए थे लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग, उछल गए गेंद को रोका, आर्यमान बन गए, शक्तिमान बन गए, डोरेमान बन गए, मान बन गए, सम्मान बन गए अपनी टीम के, लेकिन गेंद को रोक लिया। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 59 रन 6 विकेट के नुकसान पे, 6 गेंद पे 33 रन की आवश्यकता है, 33 रन नीडेड 6 बॉल्स। इस बीच हवा में उठा करके गेंद को खेला है, गेंद जाती हुई और मिड विकेट के फील्डर भी भाग रहा है, इस बार लेग के क्षेत्र में बिल्कुल डीप में गेंद गई है। 5 गेंद पे 32 रन की आवश्यकता। हमारे देखिए बिल्कुल जो कैमरामैन है, जैसे ही कोई गेस्ट आ रहा है तो एक कैमरा बिल्कुल स्टेज की तरफ रुक कर रहा है कि हमारे जो अतिथि हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं।
धवल मकवाना जी हमारे बीच में आए हैं। धवल मकवाना जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, ऐसे ही आप खुश रहिए। धवल, धवल यानी जो दूध से धुला हो वो धवल कहलाता है, बिल्कुल दूध जैसी सफेदी जिसमें देखे वो धवल कहलाता है। धवल जी बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। तीन गेंद पे 31 रन की आवश्यकता, अब यहां से कैसे पार पाएगी टीम। विकेट कीपर क्या लालू ही है, बहुत चालू है ये, कौन कहता है इनका नाम है लालू, ये तो बिल्कुल निकले चालू, हाथ नहीं पहुंच सकता था वहां पर, पैर ही लगा दिया। शोले फिल्म वाला गब्बर होता तो इस लालू ठाकुर का हाथ नहीं पैर मांगता। इस बीच ये कड़क शॉट है, लेकिन बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी, क्यों? क्योंकि अब एक गेंद पे 24 रन कैसे बनेगा। गेंदबाज बहुत बड़ी गलती करे, कहीं नो बॉल दें तभी कुछ होने वाला है, लेकिन शायद पॉइंट टेबल में कुछ रन रेट भी देखा जाएगा। और इस मुकाबले को मारुति डीएम की टीम नहीं जीत पाई, रेनी इंपेक्स ने इस मुकाबले को जीता है, 23 रनों से जीता है, बहुत अच्छी जीत रेनी इंपेक्स की। लेकिन सारे 11 की टीम फील्डिंग करने के लिए मैदान में जाए, एप्पल जेम्स के ओपनर सलामी बल्लेबाज भी मैदान में जाए, एप्पल जेम्स के ओपनर बल्लेबाज मैदान में जाए, स्टार 11 के, स्टार 11 के फील्डर मैदान में जाए। और जैसे ही ये मैच की शुरुआत होगी, जैसे इस मैच की शुरुआत होगी, कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन, एक बार फिर से हमारे वरिष्ठ कमेंटेटर, साथी कमेंटेटर आशीष पांडे जी कमेंट्री बॉक्स में हमसे जुड़ते हुए, बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी आपका।